बहुत बहुत तेज भूकंप आया था। हम लोग बैठे हुए थे लोग, तो उसी टाइम में मतलब बैठे हुए थे कुर्सी पर, तो कुर्सी पूरा डूलने लगा है, जी झट से ताला खोल। उस वक्त अभी बता रहा है 5.7 तीव्रता का भूकंप आया हुआ है, जिसका केंद्र नेपाल के तरफ शायद बताया जा रहा है। ऑटोमेटिक लगा कि पूरा पंखा वगैरह हिलने लगा। तो हम लोग बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आज रात बिहार के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। मिल रही है जानकारी के मुताबिक राजधानी पटना सहित सिवान, गोपालगंज, सारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी समेत बिहार के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके को महसूस किया गया है। इस भूकंप का केंद्र पश्चिमी चंपारण से सटा नेपाल बताया जा रहा है। इस भूकंप का तीव्रता 6.2 6.4 रिएक्टर स्केल बताई जा रही है। भूकंप झटके झटके महसूस होते ही सभी अपने घर से बाहर निकल आए। देर रात आए भूकंप के 3 झटकों से लोग दहशत में दिखे। बिहार के विभिन्न जिलों में देर रात करीब 11:36 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल ही बताया गया है। बिहार के खगड़िया के आसपास के जिले भूकंप से लेकर संवेदनशील माना जाता है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। सिवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक मोहल्ले में खलबली मच गई, लोग घर से बाहर निकल गए। हालांकि कुछ ही पल के बाद सब कुछ सामान हो गया, इसके बावजूद सड़कों पर चहलकदमी बनी रही। लोग एक दूसरे से फोन पर भूकंप की जानकारी ले रहे थे। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लगातार तीसरे झटका लगने से लोग घर से बाहर निकल गए। गोपालगंज थावे में भी भूकंप का हल्का झटका अचानक 11:36 पर महसूस किया गया। अचानक घर में सो रहे लोग भूकंप का झटका महसूस होते ही घर से बाहर निकल गए। हालांकि भूकंप के झटके में कोई नुकसान फिलहाल सूचना नहीं है। सारण में भी भूकंप का झटका का पता चला है। भूकंप उस समय आया जब लोग सोने की प्रक्रिया में थे। 2 मंजिला मकान पर रह रहे लोगों ने ज्यादा गंभीर झटके महसूस किए। लोग एक दूसरे से यह कहते दिखे कि जितना जल्दी हो नीचे आ जाएं। कुछ ही देर दूसरे झटके का इंतजार कर लोग अब धीरे धीरे अपने कमरे में जाने लगे हैं। अभी सोशल मीडिया पर इस तरह की कई खबरें अफवाह के तौर पर चलेगी कि इतने बजे भूकंप आएगा, इतने बजे भूकंप आएगा। हमारे चैनल से आप लोगों का अपील है कि किसी अफवाहों पर ध्यान न दें, ताकि जिला लेवल पर जो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक होते हैं खुद वो अपडेट करते रहेंगे और आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो बन रही हमारे साथ, हमारा इस खबर पर खास करके नज़र है। जैसे कोई खबर आती है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत तेज भूकंप आया था। हम लोग बैठे हुए थे लोग, तो उसी टाइम में मतलब बैठे हुए थे कुर्सी पर, तो कुर्सी पूरा डूलने लगा है, झट से ताला खोले हैं लोग, बाहर निकले हैं लोग। हम लोग डर लगा है एकदम, बहुत बहुत जबरदस्त डर लगा है हमको। फर्स्ट टाइम जब हिला है कुर्सी आपका, तो आपको क्या अनुभव हुआ? हमको लगा कि क्या हो गया कि हिलने लगा हमको लगा क्या हिलने लगा। फर्स्ट तो मम्मी को उठाए है, मम्मी सोई थी पलंग पे, पलंग पूरा चरचर तरतर करने लगा है। मेरे भी मोहल्ले के तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों के बाहर निकल चुके हैं, इसलिए सबसे अनुरोध है कि आप लोग बाहर निकल जाएं, कभी भी आ सकता है। नाम बता दीजिए अपना। गोलू चौरसिया। धन्यवाद। 32 लगभग हो रहा था जी, और हम लोग उस वक्त मोबाइल ही चला रहे थे जी। उस वक्त तो अभी बता रहा है 5.7 तीव्रता का भूकंप आया हुआ है, जिसका केंद्र नेपाल के तरफ शायद बताया जा रहा है। ऑटोमेटिक लगा कि पूरा पंखा वगैरह हिलने लगा। तो हम लोग को लगा कि शायद एहसास हुआ कि भूकंप ही है, तो फिर बाहर से आवाज भी आने लगा और बाहर आदमी निकलने लगे। तो फिर हम लोग भी बाहर आए तो देखे कि 5-6 तक कंटिन्यू भूकंप रहा, और लगता है कि इसका आफ्टर शॉक भी आएगा, क्योंकि हमेशा आफ्टर शॉक आता है। लोगों को क्या कहिएगा कि फिर से लोग खुद को सुरक्षित रखें, एक्टिव रहें? तो सुरक्षित रहने के लिए यही कहेंगे कि हमेशा सावधान रहना चाहिए, और बहुत एक जल्दीबाजी करते हैं लोग भूकंप को लेकर कि भूकंप आ गया हम घर से निकल जाएंगे तो सुरक्षित है। ये सबसे बड़ा मिसगाइड है, मिसलीडिंग है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो आपको अगर ओपन एरिया नहीं है, आप गली है, 8-10 का गली है, इधर आप दिखा सकते हैं जैसे गली है। हमने भी अपने व्यूअर को यही सजेस्ट किया है, जो लोग हैं हमारे दोस्त जो लोग हैं, हमने बताया कि जब भूकंप आए तो आप लोग खुले हैं भागे। जी बिल्कुल, ऐसी जगह पे कभी ना रहें जहां बड़ी बड़ी ये इमारतें हों। हाँ, ऐसे जगह पे आप कभी ना रहें। अब अगर आप बहुत पॉश इलाके में रहते हैं जहां आपको भागने का कोई सुविधा नहीं है, तो इसमें आपको हमारे जो प्रोफेशनल है
उनके द्वारा भी यही सजेस्ट किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप जिस घर में हैं, ये ज्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं तब ये गिरते हैं, अदरवाइज बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं जब आप निकलने के हबड़ाई में निकलते हैं, जल्दीबाजी में आप निकल रहे हैं, उस वक्त आपको बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ सकता है, गिर सकते हैं, हाथ पैर टूट सकता है, बहुत आदमी का हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसके लिए हाइपर नहीं होना है, ये नेचुरल डिजास्टर। बहुत सारे लोग होते हैं जब भूकंप आता है तो हम देखते हैं कि लोग लगते हैं मोबाइल उठाने, जेवर उठाने, अपने घर की चाबी उठाने, उन लोगों को क्या कहिएगा आप? देखिए, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा, आपने बहुत ही पुराना कहावत है, बहुत बार सुने होंगे, जान है तो जहान है। जी, तो सबसे पहले अपने जान बचाइए, जान है तो आपका जहान है, हर चीज है, आपका वहां से कोई लेके नहीं चला जाएगा। आप सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित कीजिए। आप कैसे सुरक्षित है? आप अगर आपके यहाँ कहीं खुला हुआ इलाका है तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी भूकंप आए तो आधा घंटे 15 मिनट तक आप बाहर रहिए, आफ्टर शॉक आने का चांस रहता है। और इसमें आप ज्यादा हाइपर ना होइए, बहुत आदमी को हाइपर टेंशन की वजह से अभी देख रहे हैं बीपी, शुगर के भी पेशेंट आ रहे हैं, बहुत सारे हर घर में है, तो उस हाइपर टेंशन की वजह से हार्ट अटैक तक का भी नौबत आ जाता है।